हेलो, गुड मॉर्निंग। डिजिटल डायरी में आपका स्वागत है, साथ में मेरे न्यू ब्लॉग में। आज से मेरे डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गए वाली है। 11 बजे का मेरा नंबर है, मुझे 11 बजे तक डेंटिस्ट के पास पहुंच जाना है। और ऐसा है कि कंटिन्यूसली मतलब मुझे 12 टू 15 डेज वहाँ जाना ही होगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उसकी वजह से ही मम्मी को आना पड़ गया है। मेरे लास्ट लेफ्ट साइड के लास्ट टू टीथ्स के कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, उस वजह से मुझे डेंटिस्ट को बार बार विज़िट करना पड़ेगा। और मैं अभी जग चुकी हूँ, सो रेडी होके बस हम और मैं और प्रेम निकल जाएंगे वहाँ डेंटिस्ट के पास। और प्रीशा फ़िलहाल सो रही है, तो फिर देखते हैं आगे डॉक्टर क्या कहता है और मेरी ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होती है। मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगी। आप लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हम आ गए हैं मछली मार्केट पर। आज मछली लेने के लिए लेना है। ये कुछ छोटे छोटे मछली जो मिल रहे हैं। क्या नाम है मछली का बताया? नाम क्या नाम बताया तुमको? नाम बोलो कौन सा मछली? नहीं कवई नहीं, तेलबिया। तेलबिया 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 मछली बता रही। तेलबिया कह रहा है सर, ऊन कह रहा है। आंख की नाम बताना। ये दर्शन हो रहा है हमारा मछली। हमारे झारखंड में मछली को क्या बोलते हैं? पापा याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मम्मी भी बेजोड़ ध्यान लगाई हुई है कैसे भी दिमाग में आ जाए पापा से पहले। पापा सुसु नो पापा मिल गया। पापा बहुत बड़ा वाला मिल गया। पापा मिला? मिला। कौन सा वाला लिए? ब्लैक ब्राउन ले। एक निशा कर लिए। ब्लैक कलर क्यों नहीं लगाते हैं पापा? नहीं लगाएंगे ब्लैक कलर ना बाबू, ब्राउन अजीब हो जाता है। अजीब कहाँ लग रहा है, देखो तो कितना अच्छा तो बाल लग रहा है। करवा देते हैं वहाँ सीखो। अब वहाँ सीख क्या होगी, पापा के साथ जाके हाथ साफ करो, सीधी बात है। अरे कोई खराब नहीं बोल रहे, बोल रहे कि तुम्हारा यहाँ जो अपॉइंटमेंट लेगा वो टेस्टिंग देखता है कि नहीं देखता है। हम चला के देखते नहीं देखता है, यहाँ देखता है वो। दिक्कत तब होगा, गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए। गाड़ी बंद हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा हमसे। हमको पता था कि हमको दिक्कत आता है कब, जो हम गियर चेंज करते हैं। हम एक नंबर में गियर लगाएंगे और एक ही नंबर में चलाएंगे, तुरंत गियर ही नहीं लगाएंगे। तो चढ़ावे का चढ़ावे चला दिए एक नंबर पे, उसका लगा रोकने के लिए रोक दिया। आंटी को बोला कि बैठिए, आंटी पर से बैठी, गियर लगाई, एक नंबर चलाने लगी। हम एक नंबर में गियर लगाएंगे और एक ही नंबर में चलाएंगे, तुरंत गियर ही नहीं लगाएंगे। तो चढ़ावे का चढ़ावे चला दिए एक नंबर पे, उसका लगा रोकने के लिए रोक दिया। आंटी को बोला कि बैठिए, आंटी पर से बैठी, गियर लगाई, एक नंबर चलाने लगी। रिजेक्ट हो गई। सबसे पहला काम है सीट बेल्ट लगाना, वो ड्राइव करने गई है बिना सीट बेल्ट चला रही है। तो ऐसे ऐसे कारनामे भी करते हैं लोग। अब तो आप लोगों को बड़ी सुविधा हो गया। हम लोग का समय जो था ना, वो टाइम चक्का से एस बना के मट्टी में दिखाना पड़ता था। नहीं बहुत कठिन था वो टाइम। वो कार में तो नहीं था वो चीज हम किए, लेकिन स्कूटी में वो आठ लिखा हुआ था। आठ बनाना है वो, यहाँ पे अगर होगा तो आठ तुमको बनाना पड़ेगा। बिना पैर उतारे हुए वो हम बताए कुछ नहीं हो, धीरे धीरे चलाएगी तो हो जाएगा। तो हम अपने बताए तो सिंपल है वो सब चीज।
अब बाकी तो कितने साल से स्कूटी चला रहे, लाइसेंस मेरा नहीं बना। लाइसेंस तुम काटना चाहती हो तुमको तो कुछ एक बार बोलती भी नहीं है या तो नहीं दिलाती। अच्छा छोड़िए छोड़िए, लाइसेंस वाइसेंस तो बन ही जाएगा, मोटर ट्रेनिंग में ले लेंगे एडमिशन। आपको पता है क्या हुआ है? क्या? मम्मी गुस्सा हो गई है। क्यों? बोलती है केक नहीं काटेंगे इस बार बर्थडे में। नहीं काटेंगे तो क्या हुआ? चूर देगी, चूर देगी केक। सच में लगा, सच में पिनाटा केक आया नहीं महात्मा तो लोग चूरता है, मतलब पिनाटा केक मंगाएंगे उसको चूर देगी थोड़ा से, समझ गए पापा? चूरने में हेल्प कीजिएगा ना, लतनी है हेल्प करने के लिए। और मार्तुल भी घर में है, लतनी है ये और क्या बेटा, डॉक्टर ये मेरा वो मछली बन के तैयार, देख सकते हैं आप। इधर है मम्मी जो मछली दिखा रही है और खाना लगने को है तैयार, मछली और चावल।